हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेरेंडिपिटी। आज मैंने अपने ही आइडिया से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है ऑन पनीर। उसको बेक करके मैंने एक डेजर्ट बनाया है। डजंट इट साउंड इंटरेस्टिंग? इसको जानने के लिए आगे वीडियो को देखते रहिए। द इंग्रेडिएंट्स आर एज फॉलोज। ये मैंने चना निकाल लिया है। 2 लीटर गरम दूध में विनेगर डाल के आप चाहे तो नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क मेड, ये मिल्क है 500 ml। गुड़ जो कि मैं लिया 30 grams। ये है केसर, 6 tablespoon मिल्क पाउडर, कार्डमम पाउडर। ये है आलमंड्स जो मैंने फाइनली चॉप कर लिए हैं। ये कुछ किशमिश है। ये मैंने 1/2 tablespoon बेकिंग पाउडर ले लिया है एंड दिस इज़ 1/4 tablespoon बेकिंग सोडा। लेट्स मूव ऑन टू द रेसिपी नाउ। रेसिपी को बनाने के लिए ये जो चना मैंने दूध से निकाल लिया था, इसमें मैं पहले गुड़ ऐड करूँगी। मैं चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि हम एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना हो सकता है हम चीनी अवॉइड करेंगे। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर। पूरा बेकिंग पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा और ये जो इलायची है कार्डमम पाउडर मैं निकाला था, इसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। अभी इस डो को हम अच्छे से नीड करेंगे। इतने अच्छे से आपको नीड करना है सो दैट जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने अभी डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर करना है। एक बार डो प्रिपेयर करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका कंसिस्टेंसी कैसा होना चाहिए। एक बता देती हूँ, अगर आपको हाथ से नीड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे मिक्सर में इसको डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। मैं अभी इसको ग्राइंड करने डाल दूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका टेक्स्चर कितना स्मूथ निकलेगा क्योंकि हमें एक मलाईदार टेक्स्चर चाहिए। ये मैंने इसको अभी मिक्सर में डाल दिया है और मैं मिक्स करती कितना सॉफ्ट टेक्स्चर निकलेगा इसका। इसको मिक्सर से निकाल लिया है। अभी आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट एक टेक्स्चर बना है इसका, एकदम क्रीमी। अभी मुझे मलाई प्रिपेयर करना है, उसके लिए मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है। उस पर मैं 500 ml मिल्क डाल दूँगी। और इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। दूध के उबलने तक आप OTG प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने हाथों में थोड़ा सा से तेल लगा लेना है, ऐसे चिकना कर लेना है। हम फिर थोड़ा थोड़ा इसमें से पनीर निकालेंगे। मैंने चिकना इसलिए कर लिया है क्योंकि अगर हाथ में थोड़ा भी मॉइस्चर रहेगा तो ये हाथ आपके हाथ में चिपकता रहेगा, तो वो अवॉइड करने के लिए मैंने थोड़ा सा तेल निकाल के अपने हाथों में लगा लिया है। ऐसे बॉल्स बना के इसको ऐसे चपटा चपटा करके ऐसे इस प्लेट में रखते जाइए। ये देखिए, ये छोटे छोटे डोज बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। मैं अभी इसको 10 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी। मैं अभी इसको 10 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए छोड़ दिया है। ये दूध भी एकदम उबल चुका है अच्छे से। मैं अभी इसमें उसको हिलाती रहूँगी और आप देख सकते हैं इसमें से मलाई निकलने लगी है। हमें इसमें से बहुत सारी मलाई निकालनी है। मैं अभी इसमें गुड़ ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूँगी। उसके बाद जो आलमंड्स मैंने चॉप किए थे वो मैं डाल दूँगी। अब मैं इसमें 5 चम्मच मिल्क मेड ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो 5 चम्मच से थोड़ा कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, आपको जितना ठाक चाहिए। फिर मैं धीरे धीरे इन सब चीज़ों को दूध में स्टर करती रहूँगी।
इसको मैंने लो फ्लेम में बहुत देर तक स्टर किया है। दूध की क्वांटिटी भी कम हो गई है लेकिन काफ़ी इसमें से मलाई बाहर आ चुका है। आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टर कर रहे हैं पूरे टाइम आप लो फ्लेम में ही स्टर करें। अब इसमें मैं जो मिल्क पाउडर लिया है मैंने इसमें 6 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है। आप इसमें सारा ऐड कर देंगे। बहुत धीरे धीरे इसको चलाते रहना है एंड पूरा इसमें मिक्स कर देना है। इसको और गाढ़ा बना देना है हमें। ऐसे जो मोल्स हैं उसको तोड़ देना है सो दैट ये सारे जो पार्टिकल्स हैं दूध में मिक्स हो जाए। आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ बेकिंग मैंने इसको डीजे से निकाल लिया है। नाउ माय मलाई इज ऑल्सो रेडी। इसका कितना थिक हो चुका है ये। अभी मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। और मैंने ये मलाई जमा के रखा था दूध से, दूध के ऊपर जो लेयर मलाई का लेयर जमता था मैंने उसको निकाल के रख दिया था। दो तीन बार मैंने दूध उबाला है और उसमें से यह मलाई निकला है और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। अभी मैं यही मलाई यूज़ करूँगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा निकाल के मैं अभी इसके ऊपर ऐसे टॉप कर दी लूँगी। मैंने ये सारे जो मलाई है टुकड़ों टुकड़ों में इसको मैंने बांट के इसके ऊपर सारा टॉप कर दिया है। देख सकते हैं कैसे मेल्ट हो रहा है ये। अभी ये जो मैंने मलाई बनाई है दूध से अभी मैं इसको धीरे धीरे इसके ऊपर डाल दी जाऊंगी। इसे सारा डाल देना है। एकदम कवर कर दिया अच्छे से। ध्यान रहे कि जो सारे बंद है छोटे छोटे ये पनीर के इसके ऊपर ये सारे मलाई टॉप हो जानी चाहिए। अच्छे से इसको फिल कर देना है। अभी मैं इसमें डालूंगी जो चॉप्ड आलमंड्स थे तो मैं इसमें गार्निश कर दूंगी। आप चाहे तो अपने एक्स्ट्रा एडेड फ्लेवर के लिए आप थोड़ा सा कार्डमम पाउडर भी डाल सकते हैं। ये लीजिए मैंने कार्डमम छिड़का दिया है। अभी मैं एक एक के ऊपर ऐसे किशमिश रखूंगी। ये देखिए जो किशमिश है मैंने सारा ऊपर टॉप कर दिया है और जो एक्स्ट्रा बची हुई मलाई थी वो भी मैंने इसे पूरा लेयर कर दिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा केसर डाल दूंगी। देखिए कितना अच्छा इसमें सुंदर सा लुक आ रहा है। इसको प्री हीट करना है 5 मिनट के लिए और फिर आप इसको और 10 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए छोड़ दीजिए। अभी मैंने देखिए इसको ओटीजी से निकाल लिया है। 10 मिनट के बेकिंग के बाद ये कितना लजीज लग रहा है देख के। मेरे मुंह से तो बहुत ही पानी टपकने लग गया है। मैं अभी अपने हस्बैंड से इसको टेस्ट करवाऊंगी, वो तो देखिए एकदम पागल हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर बेक हो चुका है, पूरा मिल्क के साथ ये सारा बेक हो चुका है एकदम अच्छे से। अभी हम इसको करेंगे टेस्ट। अभी हम इसको करेंगे टेस्ट। उसके लिए मैं एक जो
पनीर है यहाँ से निकाल लेती हूँ, और साथ ही साथ इसकी जो मलाई है उसके ऊपर हम डाल देंगे। तो और मलाई ले लेते हैं, देखेंगे कितना सॉफ्ट बना है ये एकदम। आपको घर में ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट एंड टेस्टी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको मेरे नेक्स्ट रेसिपीज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ।